नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुरैना से आ रही बड़ी खबर के साथ। राजस्व अधिकारी और पुलिस में बहस का मामला सामने आया है। कृषि उपज मंडी में स्वरोजगार सम्मेलन का ये पूरा मामला, जहां सीएम के कार्यक्रम से पहले बहस हुई, राजस्व निरीक्षक को पुलिस ने बाहर भेज दिया। राजस्व विभाग के RI ने विरोध किया इसका। SDM के समझाने के बाद जो है पूरा मामला शांत हुआ। मुरैना में देखिए बहस की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहां पर बहस की जा रही है। राजस्व अधिकारी की तरफ से पुलिस के साथ में बहस। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये मामला क्या है, क्या अब ये मामला सुलझ पाया है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मुरैना दौरे पर हैं, और जब उनका जो मुख्य कार्यक्रम स्वरोजगार मेला था, वहाँ कई पूरी तस्वीरें हैं जहाँ एक पुलिसकर्मी और जो RI है राजस्व विभाग के, उनके बीच में तो तीखी जो नोकझोंक हो गई। ये पूरा विवाद जो है वो सुरक्षा से जुड़ा हुआ था। देखिए, क्योंकि सीएम का प्रोटोकॉल होता है और कोई भी व्यक्ति वहां पर रह नहीं सकता, केवल सीएम सिक्योरिटी और जो नेता वहां पर मौजूद रहते हैं केवल उन्हीं को मंच पर और उसके आसपास रहने की अनुमति होती है। लेकिन ऐसे में जो RI है राजस्व निरीक्षक जो है वो वहां पर, उनकी जो सिक्योरिटी का एरिया था उसमें वो अंदर थे। पुलिसकर्मी ने जब उनको बाहर निकलने के लिए कहा तो दोनों के बीच में कहासुनी हो गई। हालांकि इसके बाद मौके पर पहुंचे SDM ने दोनों ही पक्षों को समझाया और उसके बाद ये मामला जाकर शांत हुआ। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए शैलेंद्र। रुक करेंगे मुरैना से आ रही दूसरी बड़ी खबर की ओर, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष के नाराज होने का मामला सामने आया। सीएम की बैठक में जाने की अनुमति नहीं मिली, इजाजत नहीं मिली। आरती गुर्जर ने मीडिया के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की है। प्रशासन पर मनमानी के आरोप तक लगा दिए हैं। वरिष्ठ नेताओं से अधिकारियों की शिकायत की बात भी कही गई है। शैलेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, ये मामला क्या है, विस्तार से बताइए, आखिर क्या नाराजगी सामने आई है? देखिए, आज मुख्यमंत्री चूंकि मुरैना प्रवास पर है और वो एक समीक्षा बैठक ग्वालियर चंबल संभाग के अधिकारियों के साथ कर रहे थे, उसी समय जिला पंचायत अध्यक्ष आरती गुर्जर भी पहुंची। तो वो बैठक में जाना चाहती थी, लेकिन जो वहां मौजूद जो अधिकारी थे उनको रोक दिया गया और ये कहा गया कि आप इस बैठक में फिलहाल अपेक्षित नहीं है और जब आपको बुलावा आएगा हम तभी आपको अंदर जाने दे सकते हैं। उस वक्त बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष हो या फिर दूसरे अन्य मंत्री और जो तमाम अधिकारी है वो लोग वहां पर मौजूद थे। तो इस बात से जो है जिला पंचायत अध्यक्ष भड़क गए। उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल के तहत उनको उस बैठक में होना है और इसलिए वो वहां यहाँ पर आई। उन्होंने कहा कि अधिकारी जो है वो अपनी मनमानी चला रहे हैं और इस मनमानी के खिलाफ वो आला कमान से इसकी शिकायत करेंगे। बता दें कि आरती गुर्जर भी जिला पंचायत अध्यक्ष होने के साथ साथ BJP की नेता भी हैं और ऐसे में वो उस बैठक में जाना चाहती थी, लेकिन जब अधिकारियों ने मना किया उस बात को लेकर वो अधिकारियों पर भड़क गई थी और उन्होंने साफ तौर पर उन अधिकारियों की शिकायत भी मुख्यमंत्री से करने की बात कही है। जी ठीक है शैलेंद्र, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबर उज्जैन से आ रही है, जहां चक्र पार्क में अब आधार कार्ड से एंट्री होगी। हिंदू जागरण मंच ने इसकी मांग की थी। दो दिन पहले विशेष समुदाय के युवकों को पकड़ा गया था। हिंदू लड़कियों के साथ विशेष समुदाय के लड़कों को पकड़ा गया था, जिसके बाद अब इस पार्क में आधार कार्ड दिखाने के बाद ही एंट्री होगी। तो ये नियम लागू कर दिया गया है। वैसे तो कई ऐसे पार्क हैं पूरे देश में ही, जहां पर आप जब भी घूमने फिरने जाते होंगे तो आधार कार्ड दिखाकर जाते होंगे, लेकिन उनमें से अब ये जो चक्र पार्क है वो भी शामिल हो गया है इसी कड़ी में। उज्जैन का ये चक्र पार्क काफी मशहूर पार्क है और अब इसमें एंट्री लेने के लिए आपको आधार कार्ड दिखाना होगा। कुछ समय पहले ही विशेष समुदाय के युवकों को हिंदू लड़कियों के साथ देखा गया था, उन्हें पकड़ा गया था, जिसके बाद अब ये नियम शुरू किया गया। अजय पटवा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अजय, चक्र पार्क में अब एंट्री आसान नहीं होगी, आधार कार्ड पहले दिखानी होगी और उसके बाद ही एंट्री, और क्या कुछ नियम कानून? जी देखिए, उज्जैन के चक्र पार्क में दो दिन पहले एक युवक युवती पकड़ाए थे, जिसको लेकर हिंदू जागरण मंच के लोगों ने काफी हंगामा किया था। इसके बाद उन लोगों ने नगर निगम से मांग की थी कि उज्जैन शहर में जितने भी पार्क है वहां पर जितने भी लोग आते हैं, चाहे वो कपल्स हो या परिवार के लोग हों, पर उनके आधार कार्ड चेक करे बिना ही अंदर नहीं जाने दिया जाए। तो उसको लेकर अब नगर निगम ने वहां पर एक रजिस्टर रखवा दिया है, जिसमें
बाकायदा एंट्री की जा रही है कि एंट्री करने के बाद ही चक्कर पार्क में एंट्री दी जा रही है और इसके साथ ही आने जाने वालों पर भी सीसीटीवी लगाकर नजर रखी जा रही है ताकि कोई भी ऐसा लगता है कि अलग समुदाय से है और इसमें कोई विवाद जैसी स्थिति बन सकती है तो वो ना हो, इसको देखते हुए विशेष ध्यान दिया गया है। और साथ ही नगर निगम का भी यही कहना है कि हमको आदेश मिले हैं कि जो यहाँ पे जितने भी लोग आएंगे उनकी आधार कार्ड से एंट्री की जाएगी और इसके बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अजय जानकारी साझा करने के लिए।